उस पीढ़ी की। ये मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा, कैसे पता करूं कैसे पता करूं। ओ भाई ये कोई सपना नहीं है, तो हकीकत है। पहली बार किसी लड़की ने डेटिंग ऐप पे मुझे आई लाइक यू बोला है। भाई मेरी तो किस्मत ही खुल गई, मैं भी तो जल्दी से इसे आई लव यू बोल दूं। आई लव यू मिस नेहा। आई लव यू टू, मजा ही आ गया। आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। I am so sorry, मैंने आपको देखा नहीं था। It's okay, आपने जानकर थोड़ी ना किया है। हाँ वो तो है, एक्चुअली मैंने पहले आपको कभी इस बिल्डिंग में देखा नहीं। या एक्चुअली मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ कुछ टाइम पहले। ओह अच्छा, हाय माय नेम इज विशाल। हाय आई एम रिया। ओके नाइस टू मीट यू। ओके देन फिर मिलते हैं कभी, आप जल्दी में लग रहे हो। बाय बाय। ये भगवान क्या क्यूट लड़की थी और स्माइल भी कर रही थी, लगता है मेरी कुंडली से शनि भगवान का प्रकोप निकल गया, जो दो दिन में दो लड़कियां मिल गई। हाय नेहा। अच्छा यार एक बात बोलूं। हाँ यार, जब तुमने मुझे आई लाइक यू बोला ना, तो मुझे यकीन ही नहीं हो पाया कि इतनी प्यारी लड़की ने मुझे आई लाइक यू बोला है। ओह रियली? हाँ। अच्छा नहीं यार, मेरा ना घर से कॉल आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके। हाँ ओके बाय बाय। हाय रिया। हाय हाउ आर यू? वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन जब से तुम्हें देखा है तो और भी ठीक रहने लग गया हूँ। क्या विशाल तुम भी। अच्छा रिया एक बात बोलूँ? हाँ बोलो। गुस्सा तो नहीं करोगी? अरे नहीं बाबा बोलो। I like you. क्या? अब मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अरे मेरा मतलब था कि मैं इतनी बुरी हूँ कि बस लाइक कर दो। तुम बहुत प्यारी हो, करता तो मैं तुम्हें लव हूँ, लेकिन कहने से डरता हूँ। I love you too. पागल, इसमें क्या डरना? Really? Yeah. Thank you. यार तुझे एक बात बताऊं? हाँ। आई एम इन रिलेशनशिप। हाँ यार वो इसी बिल्डिंग में रहता है, पता नहीं कब उससे मुझे प्यार हो गया। वैसे मुझे भी डेटिंग ऐप पे पार्टनर मिल गया है। क्या सच्ची? मेरी सती सावित्री फ्रेंड को भी डेटिंग ऐप पे बॉयफ्रेंड मिल गया है। नेहा आर यू सीरियस? हाँ चलो फोटो तो दिखा। नहीं पहले मैंने बताया तो फोटो पहले तू दिखा। अच्छा बाबा दोनों साथ में भेजते हैं। हाँ ये ठीक है। क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड है? ये तेरा बॉयफ्रेंड है? तू इसे जानती है? हाँ बहुत अच्छे से, लेकिन तूने मुझे विशाल की फोटो क्यों भेजी है? क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अबे तूने नशा कर लिया है क्या? नेहा तुझे गलत फहमी हुई है, विशाल मेरा बॉयफ्रेंड है। यार ये क्या हो रहा है, इतने दिनों बाद दोनों को बॉयफ्रेंड मिला, वो भी सेम। सुन यार मेरे पास एक आइडिया है, विशाल को तुम मिलने के लिए बुला उसके घर पे, और उससे बोलना कि मेरी फ्रेंड भी साथ में आएगी। ओके? हाँ ये ठीक रहेगा, मैं करती हूँ उससे बात। चल ठीक है बाय।
हेलो हेलो विशाल, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन है। ओह रियली? हाँ तो आ जाओ ना, शाम को मिलते हैं वहीं रेस्टोरेंट में। नहीं ऐसे नहीं। तो फिर आज शाम को मैं तुम्हारे फ्लैट पर आ रही हूँ मेरी फ्रेंड के साथ, वहीं मिलकर पार्टी करते हैं। मेरे फ्लैट पर? हाँ तो ठीक है, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके हाय नेहा, रिया ने री विशाल, तुमने बताया नहीं कि तुम रिया को जानते हो? हाँ विशाल, तुमने बताया नहीं नेहा तुम्हारी भी दोस्त है। वो एक्चुअली यार, अरे यार मुझे भी कहाँ पता था कि तुम दोनों एक दूसरे की दोस्त हो। नेहा ये रिया है मेरी अच्छी दोस्त, और रिया मेरी अच्छी दोस्त नेहा से मिलो। लो अब करवा दिया दोनों का इंट्रोडक्शन, आ जाओ अंदर आ जाओ। आज तो गया काम से, लगता है मेरी कुंडली में फिर से शनि भगवान का प्रकोप आ गया है। जिस तरीके से दो लड़की एक साथ आई थी, अब लगता है कि दोनों की दोनों मेरे हाथ से एक साथ चली जाएंगी। हे ऊपर वाले बचा ले मुझे, बचा ले प्लीज। मैं तुम दोनों के लिए कुछ लेकर आता हूँ। अरे नहीं विशाल, तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ विशाल, तुम आकर बैठो यहाँ। आज की पार्टी मेरी तरफ से इस खूबसूरत मीटिंग के लिए। अरे वाह, आज तो तुम फुल तैयारी के साथ आई हो। हाँ आज फुल नाइट पार्टी करेंगे, क्यों विशाल? क्यों नहीं, मैं गिलास लेकर आता हूँ। अच्छा यार मैं ये बोतल फेंक कर आता हूँ। अरे नहीं विशाल, अभी तो ये बहुत काम आने वाली है। वो कैसे? अभी बताती हूँ। एक बोतल के साथ हम खेलेंगे ट्रुथ एंड डेयर। अरे वाह मजा आ जाएगा आज तो। अरे नहीं यार, बहुत बोरिंग गेम है और सारी चढ़ी हुई उतर जाएगी। अरे नहीं नहीं विशाल, तुम चुप करो, हम यही गेम खेलेंगे। ठीक है। ओह नो, ओह फर्स्ट टाइम ही मेरे पास, सो आई चूज ट्रुथ। विशाल तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं यार, तुम ही पूछो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड? हाँ है ना, अभी अभी बना है, इसी बिल्डिंग में रहता है। Oh my God! वाह वाह लड़की, मान गए। चलो चलो अब बोतल मैं घुमा दियो। I chose dare. तो तुम्हारा dare है कि तुम अपनी जीभ से अपनी नाक को टच करके दिखाओ। नहीं ये नहीं होगा, कुछ और कुछ और। Okay, मैं पूछती हूँ। Tell me about your first night. तुझे अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड सब बताना है, ओके? रिया दिस इज नॉट फेयर, मैं वो फीलिंग तुम्हारे सामने कैसे बता सकती हूँ? डेयर दिया है तो करना तो पड़ेगा ही ना। वैसे ही जैसे सब चाहते हैं। यार डेयर है, तुझे करना ही पड़ेगा, वो भी एक ट्विस्ट के साथ। क्या ट्विस्ट? हाँ नेहा, ये एक डेयर है और ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। सो एज्यूम करो विशाल तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम लोगों की फर्स्ट नाइट है। कुछ भी यार डेयर है, करना तो पड़ेगा। ओके ठीक है। सुनिए आपका दूध रखा है। आज मेरा दूध पीने का दिल नहीं कर रहा है, मेरा तो तुम्हें खाने का दिल कर रहा है।
तो ठीक है, वैसे भी मैं आपकी हूँ। वाओ, नाइस एक्टिंग। मजा आ गया। अब मैं घुमाती हूँ। ओह रिया, इस बार तुम फंस गई। ट्रुथ और डेयर, इस बार डेयर। इस बार डेयर मैं दूंगा। तुम्हारा डेयर है कि तुम और नेहा दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो और एक रूम में हो अकेली, और अब तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो। और हाँ, नेहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड। Oh really? Yes. यार तुम्हें एक बात बोलूं? तुम्हें पता है इस रूम में तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। हाँ तो बाहर बारिश हो रही है। तो क्या हुआ? तो इस मौसम में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अकेले एक रूम में क्या करते हैं? क्या करते हैं आप ही बताइए। वो एक दूसरे को हग करते हैं। और फिर बस बस यार, हो गया। चलो नेहा तुम इधर आओ। यार तुम दोनों की एक्टिंग के चक्कर में कहीं मेरे दिल की फीलिंग बाहर निकल गई होती तो। अरे अरे तुम डरो मत, कोई फीलिंग बाहर नहीं आएगी। अच्छा तो मैं डर रहा हूँ? अरे मुझे डर तो इस बात का है कि तुम दो लड़की हो और मैं अकेला एक लड़का, आखिर मैनेज कैसे होगा? क्या विशाल, तुम भी ना। अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ। सो इस बार बोतल मैं घुमाती हूँ। फंस गया बेचारा विशाल। सो चूज ट्रुथ और डेयर। ऑफ कोर्स ट्रुथ। ओहो क्या बात है, इम्प्रेसिव। सो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे पता था कि तुम यही पूछने वाली हो। हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। अब मेरा भी एक क्वेश्चन है। नहीं नहीं, एक टाइम पर सिर्फ एक क्वेश्चन। नहीं, मेरा भी एक क्वेश्चन है। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड रिया है, जिसमें दूसरी मैं भी हूँ? लगा तो मुझे तभी था जब तुम दोनों साथ में आई थी कि शायद तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन अब मुझे कंफर्म हो गया है। तो अब सच छुपाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ तुम दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड हो, और मैंने तुम में से किसी के साथ भी झूठा प्यार नहीं किया है। जितना प्यार मैंने तुम्हें दिल से किया है रिया, उतना ही प्यार नेहा तुम्हें भी मैं दिल से करता हूँ। हाँ मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। तुम्हें जो भी सजा मुझे देनी है मुझे मंजूर है। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। हाँ बिल्कुल। हम दोनों को तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हैं। सच्ची?